हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। कल हो ना हो टुमारो में नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशंस कल होना हो। ऑल्सो एब्रीवेटेड एज KHNNH इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग्स बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाई यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा विद सुषमा शेठ, रीमा लागू, ललित दुबे एंड डेलनाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड uptight MBA student living in New York City. She falls in love with her neighbor Aman Mathur, a terminally ill patient who tries to set Naina up with her best friend Rohit Patel, since he fears she will grieve for him if he reciprocates हर फीलिंग्स। डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, नरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यश राज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 220 to 300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन, कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर, अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वेयर द सिनेमेटोग्राफर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो, न्यू यॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2003। The soundtrack was released on 27 September 2003 to positive reviews. The title song It's the Time to Disco, Kuch To Hua Hai and Pretty Woman were particularly well received. Kal Ho Na Ho was released on 27 November 2003 with the promotional tagline a story of a lifetime in a heartbeat. The film received positive critical feedback and was commercially successful. It earned 860.9 million, about $18.8 million in 2003.
एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर. इट एक्सप्लोर सेवरल थेम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंटरकास्ट मैरिज टर्मिनल इलनेस एंड होमसेक्सुअलिटी थ्रू इन्यूडो एंड होमोसोशियल बॉन्डिंग. इट वॉन 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स 13 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 6 प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स 3 स्क्रीन अवार्ड्स एंड 2 जी साइन अवार्ड्स इन 2004. नैना कैथरीन कपूर इज अ पेसिमिस्टिक अपटाइट MBA स्टूडेंट हु लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी विद हर विडोड मदर जेनिफर डिसेबल्ड ब्रदर शिव एडॉप्टेड सिस्टर जिया एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर लज्जो. जेनिफर रन्स एंड अनसक्सेसफुल कैफे विद हर नाइवर जशविंदर जज कपूर. लज्जो इज हॉस्टाइल टू जेनिफर एंड जिया एज शी बिलीव्स दैट जियाज एडॉप्शन लेड हर सन जेनिफर्स हस्बैंड एंड नैनाज फादर टू कमिट सुसाइड. नैना हैज टू बेस्ट फ्रेंड्स हर क्लासमेट रोहित पटेल एंड जसप्रीत स्वीटू कपूर जैज सिस्टर. हर लाइफ इज डल एंड ओवरशैडोड बाई द लॉस ऑफ हर फादर अंटिल अमन माथुर एंड हिज मदर मूव इन नेक्स्ट डोर विद हिज अंकल प्रीतम चड्ढा. अमन्स चेयरफुलनेस ग्रेजुअली विंस ओवर नैनाज फैमिली एंड ही स्लोली स्टार्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ही सजेस्ट दैट दे चेंज द कैफे टू एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड इट्स सक्सेस एलिविएटेड्स देयर फाइनेंशियल वर्डन्स. अमन एनकरेजेस नैना टू बी हैप्पी एंड टू लिव लाइफ टू द फुल सेट. सी एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद हिम. रोहित ऑल्सो फॉल्स इन लव विद नैना एंड आस्क्स अमन्स हेल्प इन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स. नैना टेल्स रोहित देयर इज समथिंग सी मस्ट से टू हिम लीडिंग हिम टू थिंक दैट सी रेसिप्रोकेट्स हिज फीलिंग्स. नैना रिवील्स सी इज इन लव विद अमन इंस्टीड शिकन. रोहित कॉल्स अमन टू टेल हिम वॉट हैज हैपन्ड. नैना गोज टू अमन्स हाउस एंड हिज शॉक टू शी अ बेडिंग फोटोग्राफ ऑफ अमन एंड हिज वाइफ प्रिया. हर्ट ब्रोकन सी लीव्स. अमन्स मदर कम्फर्ट्स हिम अबाउट वॉट हैज हैपन्ड. ही सेज ही लव्स नैना बट हैज डिसाइडेड टू हाइड इट बिकॉज ही इज डाइंग फ्रॉम अ हार्ट कंडीशन. ही इज नॉट एक्चुअली मैरिड. प्रिया इज हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड डॉक्टर. अमन वॉज टू ब्रिंग नैना एंड रोहित टूगेदर बिफोर ही डाइज. ही बिलीव दैट रोहित विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर हर बेटर देन ही कैन. ही हैज अ प्लान टू ट्रांसफॉर्म नैना एंड रोहित्स बॉन्ड एंड ग्रेजुअली देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्स इनटू लव. नैना डिस्कवर्स हिज प्लेन एंड चाइड्स अमन फॉर ट्राइंग टू रियून हर फ्रेंडशिप विद रोहित. अमन टेक्स आउट रोहित्स डेयरी and confesses his feelings for Nana, saying they are Rohit. Nana forgives Aman and Rohit. Rohit proposes to Nana
एंड सी एक्सेप्ट लज्जो एंड जेनिफर हैव अ सीरियस फाइट अबाउट जिया हु कॉल्स ऑन अमन फॉर हेल्प. अमन हैड प्रीवियसली डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट जिया's पेरेंट्स एंड डेस्पाइट जेनिफर्स ऑब्जेक्शंस ही रिवील्स टू लज्जो दैट हर सन हैड एन एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर एंड फादर हर्ट जिया. When Zia's biological mother refused to accept her, Jennifer adopted her. Unable to deal with the guilt, Jennifer's husband committed suicide and emotional Lacho realizes her mistakes and reconciles with Jennifer and Zia. Nana gains closure after learning the truth about her father's death. During Nana and Rohit's engagement, Aman has a heart attack. Only his mother knows he has been admitted to the hospital. Nana encounters Priya at a jewelry store, who she recognizes as Aman's wife. She introduces herself and her husband, Abhay, who reveals the truth about Aman. Shocked, Nana realizes that Aman has sacrificed his love for her and leaves the mall in an emotional frenzy. Priya calls up Aman and informs him about what happened. Aman leaves the hospital and meets a frustrated Rohit who asks why he and not Aman should marry Nana. Aman urges Rohit to marry Nana as a sign of respect for his dying wish to see Nana happy. Aman meets Nana and they embrace while he tries to persuade her that he does not love her. Rohit and Nana's wedding, in which Aman attends, takes place soon afterward. Sometimes after the wedding, Aman is on his deathbed and says goodbye to everyone. He is left alone with Rohit after Nana leaves the room in tears. Aman makes him promise that although Nana is with Rohit in this lifetime, he will get her in the next. 20 years later, a middle-aged Nana tells a grow-up Jia how Aman affected every aspect of their lives. They are joined by her daughter Rhea and Rohit, who tells Nana that he loves her as they embrace. Cast. Note: the actors from Jaya Bachchan to Dara Shrinkh appear in the opening credits and the rest of the cast appears in the closing credits. Jaya Bachchan as Jennifer Kapoor, Shah Rukh Khan as Aman Mathur, Saif Ali Khan as Rohit Patel, Preeti Zinta as Nana Catherine Kapoor, Sushma Sheth as Lajwanti Lazzo Kapoor, Reema Lagu as Namrata Mathur, Lilithi Dubey as Jashwinder Ash Kapoor, Delnaz Paul as Jaspreet Sweetu Kapoor, Soma Anand as Kammo, Kamini Khanna as Bimmo, Ketki Dave as Sharlaven Patel, Shulva Arya as Kantaven, Athit Nayak as Shiv Kapoor, Jhanak Sakula as Jia Kapoor, Simone Singh as Camilla, Satish Shah as कृष्ण भाई पाटिल, राजपाल यादव एज गुरु, दारा सिंह एज प्रीतम चड्डा. स्पेशल अपीयरेंस: संजय कपूर एज अभय मल्होत्रा, काजोल एज डांसर इन द सॉन्ग माही वे, रानी मुखर्जी एज अ डांसर इन द सॉन्ग माही वे, सोनाली बेंद्रे एज प्रिया मल्होत्रा, दीपेश भट्ट एज फ्रैंकी रामदयाल, अनायता श्रॉफ
अदाजानिया एज गीता पारेख, अनक्रेडिट अपीयरेंस अनिल मेहता एज राजनाथ कैथरीन कपूर, फराह खान एंड करण जौहर एज कस्टमर्स इन जैनीज रेस्टोरेंट, उदय चोपड़ा एज अ नैरेटर हु सेज डे सिक्स, कल होना हो टुमारो मे नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एब्रीवेटेड एस के एच एन एच इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग्स बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीती जिंटा विद सुषमा सेठ, रीमा लागू, ललिते दुबे एंड देलनाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट एमबीए स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। शी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू सेट नैना अप विद हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल, सिंस ही फियर शी विल क्रीप फॉर हिम इफ ही रेसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स। डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग्स निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीती जिंटा, नैरेटेड बाय प्रीती जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 220-300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन, कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो, शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर, अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वर द सिनेमेटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो, न्यूयॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2003। द साउंड ट्रैक वॉच रिलीज्ड ऑन 27 सितंबर 2003 टू पॉजिटिव रिव्यूज। द टाइटल सॉन्ग इट्स द टाइम टू डिस्को, कुछ तो हुआ है एंड प्रेटी वुमेन वर पर्टिकुलरली वेल रिसीव्ड। कल हो ना हो वॉज रिलीज्ड ऑन 27 नवंबर 2003 विद द प्रमोशनल टैगलाइन अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम इन अ हार्ट बीट। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल फीडबैक एंड वॉज कॉमर्शियली सक्सेसफुल। इट अर्नड 860.9 मिलियन, अबाउट $18.8 million इन 2003 एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर। इट एक्सप्लोर सेवरल थीम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इंटरकास्ट मैरिज, टर्मिनल इलनेस एंड होमोसेक्सुअलिटी थ्रू इन्यूडियो एंड होमोसोशियल बॉन्डिंग।
इट वॉन 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 13 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 6 प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड, 3 स्क्रीन अवार्ड्स एंड 2 जी साइन अवार्ड्स इन 2004। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। कल हो ना हो टुमारो मे नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशंस कल हो ना हो। ऑल्सो एब्रीवेटेड एज KHNNH इज़ अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाई निखिल आडवाणी, रिटन बाई करण जौहर विद डायलॉग्स बाई निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाई यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा विद सुषमा शेठ, रीमा लागू, ललित दुबे एंड डेलनाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट MBA स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। सी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू शेड नैना अप विथ हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल। Since he fears she will grieve for him if he reciprocates her feelings. Directed by Nikhil Advani, written by story and screenplay Karan Johar, dialogue Niranjan Iyengar, produced by Yash Johar, starring Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, प्रीति जिंटा, नरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यश राज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003। रनिंग टाइम 186 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 220 to 300 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन। कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वेयर द सिनेमेटोग्राफर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो न्यू यॉर्क सिटी एंड मुंबई From January to October 2003. The soundtrack was released on 27 September 2003 to positive reviews. The title song, It's the Time to Disco, Kuch Toh Hua Hai and Pretty Woman were particularly well received. Kal Ho Na Ho was released on 27 November 2003 with the promotional tagline A Story of a Lifetime.
इन अ हार्ट बीट. द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल फीडबैक एंड वॉज कॉमर्शियली सक्सेसफुल. इट अर्नड 860.9 मिलियन अबाउट $18.8 मिलियन इन 2003 एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर. इट एक्सप्लोर सेवरल थेम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंटरकास्ट मैरिज टर्मिनल illness and homosexuality through innuendo and homosocial bonding. It won 2 national film awards, 8 filmfare awards, 13 international Indian film academy awards, 6 producers guild film awards, 3 screen awards and 2 G Cine awards in 2004. नैना कैथरीन कपूर इज अ पेसिमिस्टिक अपटाइट MBA स्टूडेंट हु लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी विद हर विडोड मदर जेनिफर डिसेबल्ड ब्रदर शिव एडॉप्टेड सिस्टर जिया एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर लज्जो. जेनिफर रन्स एंड अनसक्सेसफुल कैफे विद हर नाइवर जशविंदर जज कपूर. लज्जो इज हॉस्टाइल टू जेनिफर एंड जिया एज शी बिलीव्स दैट जियाज एडॉप्शन लेड हर सन जेनिफर्स हस्बैंड एंड नैनाज फादर टू कमिट सुसाइड. नैना हैज टू बेस्ट फ्रेंड्स हर क्लासमेट रोहित पटेल एंड जसप्रीत स्वीटू कपूर जैस सिस्टर. हर लाइफ इज डल एंड ओवर शेडोड बाई द लॉस ऑफ हर फादर अंटिल अमन माथुर एंड हिज मदर मूव इन नेक्स्ट डोर विद हिज अंकल प्रीतम चड्ढा. अमन्स चेयरफुलनेस ग्रेजुअली विंस ओवर नैनाज फैमिली एंड ही स्लोली स्टार्ट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ही सजेस्ट दैट दे चेंज द कैफे टू एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड इट्स सक्सेस एलिविएटेड्स देयर फाइनेंशियल वर्डन्स. अमन एनकरेजेस नैना टू बी हैप्पी एंड टू लिव लाइफ टू द फुल सेट. सी एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद हिम. रोहित ऑल्सो फॉल्स इन लव विद नैना एंड आस्क्स अमन्स हेल्प इन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स. नैना टेल्स रोहित देयर इज समथिंग सी मस्ट से टू हिम लीडिंग हिम टू थिंक दैट सी रेसिप्रोकेट्स हिज फीलिंग्स. नैना रिवील्स सी इज इन लव विद अमन इंस्टीड शेकन. रोहित कॉल्स अमन टू टेल हिम वॉट हैज हैपन्ड. नैना गोज टू अमन्स हाउस एंड हिज शॉक टू शी अ बेडिंग फोटोग्राफ ऑफ अमन एंड हिज वाइफ प्रिया. हर्ट ब्रोकन सी लीव्स. अमन्स मदर कम्फर्ट्स हिम अबाउट वॉट हैज हैपन्ड. ही सेज ही लव्स नैना वॉट हैज डिसाइडेड टू हाइड इट बिकॉज ही इज डाइंग फ्रॉम अ हार्ट कंडीशन. ही इज नॉट एक्चुअली मैरिड. प्रिया इज हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड डॉक्टर. अमन वॉज टू ब्रिंग नैना एंड रोहित टूगेदर बिफोर ही डाइज. ही बिलीव दैट रोहित विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर हर बेटर देन ही कैन. ही हैज इज अ प्लान टू ट्रांसफॉर्म नैना एंड रोहित बॉन्ड एंड ग्रेजुअली देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्स इन टू लव. नैना डिस्कवर्स हिज प्लेन एंड चाइड्स अमन फॉर ट्राइंग टू रियून हर फ्रेंडशिप विद रोहित.
अमन टेक्स आउट रोहित डेयरी एंड कन्फेसेस हिज फीलिंग्स फॉर नैना सेइंग दे आर रोहित नैना फॉर गिफ्ट अमन एंड रोहित रोहित प्रपोजेस टू नैना एंड सी एक्सेप्ट लज्जो एंड जेनिफर हैव अ सीरियस फाइट अबाउट जिया हु कॉल्स ऑन अमन फॉर हेल्प अमन हैड प्रीवियसली डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट जिया's पेरेंट्स एंड डेस्पाइट जेनिफर्स ऑब्जेक्शंस ही रिवील्स टू लज्जो दैट हर सन हैड एन एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर एंड फादर हर्ट जिया When Zia's biological mother refused to accept her, Jennifer adopted her. Unable to deal with the guilt, Jennifer's husband committed suicide. An emotional Lacho realizes her mistakes and reconciles with Jennifer and Zia. Nana gains closure after learning the truth about her father's death. During Nana and Rohit's engagement, Aman has a heart attack. Only his mother knows he has been admitted to the hospital. Nana encounters Priya at a jewelry store, who she recognizes as Aman's wife. She introduces herself and her husband, Abhay, who reveals the truth about Aman. Shocked, Nana realizes that Aman has sacrificed his love for her and leaves the mall in an emotional frenzy. Priya calls up Aman and informs him about what happened. Aman leaves the hospital and meets a frustrated Rohit who asks why he and not Aman should marry Nana. Aman urges Rohit to marry Nana as a sign of respect for his dying wish to see Nana happy. Aman meets Nana and they embrace while he tries to persuade her that he does not love her. Rohit and Nana's wedding, in which Aman attends, takes place soon afterward. Sometimes after the wedding, Aman is on his deathbed and says goodbye to everyone. He is left alone with Rohit after Nana leaves the room in tears. Aman makes him promise that although Nana is with Rohit in this lifetime, he will get her in the next. 20 years later, A middle-aged Nana tells a grow-up Jia how Aman affected every aspect of their lives. They are joined by her daughter Rhea and Rohit, who tells Nana that he loves her as they embrace. Cast Note The actors from Jaya Bachchan to Dara Shrinkh appear in the opening credits and the rest of the cast appears in the closing credits. Jaya Bachchan as Jennifer Kapoor, Shah Rukh Khan as Aman Mathur, Saif Ali Khan as Rohit Patel, Preeti Zinta as Nana Catherine Kapoor, Sushma Sheth as Lajwanti Lazzo Kapoor, Reema Lagu as Namrata Mathur, Lilithi Dubey as Jashwinder Ash Kapoor. Delnaz Paul as Jaspreet Suitu Kapoor, Soma Anand as Kammo, Kamini Khanna as Bimmo, Ketki Dave as Sharlaven Patel, Shulva Arya as Kantaven, Athit Nayak as Shiv Kapoor, Jhanak Sakula as Jia Kapoor, Simone Singh as Camilla, Satish Shah as कृष्ण भाई पाटिल राजपाल यादव एस गुरु दारा सिंह एस प्रीतम चड्ढा स्पेशल अपीयरेंस
संजय कपूर एज अभय मल्होत्रा, काजोल एज डांसर इन द सॉन्ग माही बे, रानी मुखर्जी एज अ डांसर इन द सॉन्ग माही बे, सोनाली बेंद्रे एज प्रिया मल्होत्रा, दीपेश भट्ट एज फ्रेंकी रामदयाल, अनायता श्रॉफ अदाजानिया एज गीता पारेख। अनक्रेडिट अपीयरेंस, अनिल मेहता एज राजनाथ कैथरीन कपूर, फराह खान एंड करण जौहर एज कस्टमर्स इन जैनीज रेस्टोरेंट, उदय चोपड़ा एज अ नैरेटर हु सेज डे सिक्स। कल होना हो टुमारो में नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, ऑल्सो एब्रीवेटेड एज KHNH इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग्स बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा विद सुषमा शेठ, रीमा लागू, ललिते दुबे एंड डेल नाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट MBA स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। शी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू शेट नैना अप विद हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल, सिंस ही फियर शी विल ग्रीव फॉर हिम इफ ही रेसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स। डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग्स निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, नैरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 200 million, बॉक्स ऑफिस 860.9 million। कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो, शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर, अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वर द सिनेमेटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो, न्यूयॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2003। द साउंड ट्रैक वॉज रिलीज्ड ऑन 27 सितंबर 2003 टू पॉजिटिव रिव्यूज। द टाइटल सॉन्ग इट्स द टाइम टू डिस्को, कुछ तो हुआ है एंड प्रेटी वुमेन वर पर्टिकुलरली वेल रिसीव्ड। कल हो ना हो was released on 27 November 2003 with the promotional tagline A Story of a Lifetime in a Heartbeat. The film received positive critical feedback and was commercially successful. It earned 860.9 million about $18.8 million in 2003. And was the highest grossing Indian film of the year. It explores several
themes such as the depiction of non-resident Indians, inter-caste marriage, terminal illness, and homosexuality through innuendo and homosocial bonding. It won 2 National Film Awards, 8 Filmfare Awards, 13 International Indian Film Academy Awards, 6 Producers Guild Film Awards, 3 Screen Awards, and 2 Zee Cine Awards in 2004. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। कल हो ना हो टुमारो मे नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशंस कल हो ना हो। ऑल्सो एब्रीवेटेड एज KHNNH इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा विद सुषमा शेठ, रीमा लागू, ललित दुबे एंड डेलनाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट MBA स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। शी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू शेड नैना अप विद हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल सिंस ही फियर्स शी विल ग्रीव फॉर हिम इफ ही रिसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स। डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, नरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यश राज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 November 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 220 to 300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन, कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो शंकर एहसान लॉय, कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय, वेयर द सिनेमेटोग्राफर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो, न्यू यॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2003। द साउंड ट्रैक वॉज रिलीज ऑन 27 September 2003 टू पॉजिटिव रिव्यूज। द टाइटल सॉन्ग इट्स द टाइम टू डिस्को, कुछ तो हुआ है एंड प्रेटी वुमेन बर पार्टिकुलरली वेल रिसीव्ड।
कल हो ना हो वॉज रिलीज ऑन 27 नवंबर 2003 विद द प्रमोशनल टैगलाइन अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम इन अ हार्ट बीट. द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल फीडबैक एंड वॉज कॉमर्शियली सक्सेसफुल. इट अर्नड 860.9 million अबाउट $18.8 million 18.8 million इन 2003 एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर. इट एक्सप्लोर सेवरल थेम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नन रेजिडेंट इंडियंस इंटरकास्ट मैरिज टर्मिनल इलनेस एंड होमसेक्सुअलिटी थ्रू इन्यूडो एंड होमोसोशियल बॉन्डिंग. इट वॉन 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स 13 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 6 प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स 3 स्क्रीन अवार्ड्स एंड 2 जी साइन अवार्ड्स इन 2004. नैना नैना कैथरीन कपूर इजा पेसिमिस्टिक अपटाइट MBA स्टूडेंट हु लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी विद हर विडोड मदर जेनिफर डिसेबल्ड ब्रदरशिप एडॉप्टेड सिस्टर जिया एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर लज्जो. जेनिफर रन्स एंड अनसक्सेसफुल कैफे विद हर नाइवर जशविंदर जज कपूर. लज्जो इज हॉस्टाइल टू जेनिफर एंड जिया एज शी बिलीव्स दैट जियाज एडॉप्शन लेड हर सन जेनिफर्स हस्बैंड एंड नैनाज फादर टू कमिट सुसाइड. नैना हैज़ टू बेस्ट फ्रेंड्स हर क्लासमेट रोहित पटेल एंड जसप्रीत स्वीटू कपूर जैज सिस्टर. हर लाइफ इज डल एंड ओवर शेडोड बाई द लॉस ऑफ हर फादर अंटिल अमन माथुर एंड हिज मदर मूव इन नेक्स्ट डोर विद हिज अंकल प्रीतम चड्ढा. अमन चेयरफुलनेस ग्रेजुअली विंस ओवर नैनाज फैमिली एंड ही स्लोली स्टार्ट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ही सजेस्ट दैट दे चेंज द कैफे टू एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड इट्स सक्सेस एलिविएट्स देयर फाइनेंशियल वर्डन्स. अमन एनकरेजेस नैना टू बी हैप्पी एंड टू लिव लाइफ टू द फुल सेट. सी एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद हिम. रोहित ऑल्सो फॉल्स इन लव विद नैना एंड आस्क्स अमन्स हेल्प इन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स. नैना टेल्स रोहित देयर इज समथिंग सी मस्ट से टू हिम लीडिंग हिम टू थिंक दैट सी रेसिप्रोकेट्स हिज फीलिंग्स. नैना रिवील्स सी इज इन लव विद अमन इंस्टीड शेकन. रोहित कॉल्स अमन टू टेल हिम वॉट हैज़ हैपन्ड. नैना गोज टू अमन्स हाउस एंड हिज शॉक टू शी अ बेडिंग फोटोग्राफ ऑफ अमन एंड हिज वाइफ प्रिया. हर्ट ब्रोकन सी लीव्स. अमन्स मदर कम्फर्ट्स हिम अबाउट वॉट हैज़ हैपन्ड. ही सेज ही लव्स नैना वट हैज़ डिसाइडेड टू हाइड इट बिकॉज ही इज डाइंग फ्रॉम अ हार्ट कंडीशन. He is not actually married. Priya is his childhood friend and doctor. Aman was to bring Naina and Rohit together before he dies. He believes that Rohit will be able to provide for her better than he can. He hatches a plan to transform
नैना एंड रोहित बॉन्ड एंड ग्रेजुअली देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्स इनटू लव. नैना डिस्कवर्स हिज प्लेन एंड चाइड्स अमन फॉर ट्राइंग टू रिन हर फ्रेंडशिप विद रोहित. अमन टेक्स आउट रोहित्स डेयरी एंड कन्फेसेस हिज फीलिंग्स फॉर नैना सेइंग दे आर रोहित. नैना फॉरगिव्स अमन एंड रोहित. रोहित प्रपोजेस टू नैना एंड सी एक्सेप्ट. लज्जो एंड जेनिफर हैव अ सीरियस फाइट अबाउट जिया हु कॉल्स ऑन अमन फॉर हेल्प. अमन हैड प्रीवियसली डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट जिया's पेरेंट्स एंड डेस्पाइट जेनिफर्स ऑब्जेक्शंस ही रिवील्स टू लज्जो दैट हर सन हैड एन एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर एंड फादर हर्ट जिया. व्हेन जिया's बायोलॉजिकल मदर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर जेनिफर एडॉप्टेड हर. अनेबल टू डील विद द गिल्ट जेनिफर्स हस्बैंड कमिटेड सुसाइड एंड इमोशनल लज्जो रियलाइजेस हर मिस्टेक्स एंड रिकॉन्साइल्स विद जेनिफर एंड जिया. नैना गेन्स क्लोजर आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ अबाउट हर फादर्स डेथ. ड्यूरिंग नैना एंड रोहित्स एंगेजमेंट अमन हैज़ अ हार्ट अटैक. ओनली हिज मदर knows he has been admitted to the hospital. Nana encounters Priya at a jewelry store who she recognizes as Aman's wife. She introduces herself and her husband Abhay who reveals the truth about Aman. Shocked, Nana realizes that Aman has sacrificed his love for her and leaves the mall in an emotional frenzy. Priya calls up Aman and informs him about what happened. Aman leaves the hospital and meets a frustrated Rohit who asks why he and not Aman should marry Nana. Aman urges Rohit to marry Nana as a sign of respect for his dying wish. टू सी नैना हैप्पी. अमन मीट्स नैना एंड दे एम्ब्रेस वाइल ही ट्राइज टू प्रश्योर हर दैट ही डज नॉट लव हर. रोहित एंड नैनाज बैडिंग इन विच अमन अटेंड्स टेक्स प्लेस सून आफ्टर वार्ड. समटाइम्स आफ्टर द वेडिंग अमन इज ऑन हिज डेथ बेड एंड सेज गुड बाय to everyone. He is left alone with Rohit after Nana leaves the room in tears. Aman makes him promise that although Nana is with Rohit in this lifetime, he will get her in the next. 20 years later, a middle-aged Nana tells her grow-up Jia how Aman affected every aspect of their lives. They are joined by her daughter Rhea and Rohit, who tells Nana that he loves her as they embrace. Cast note: the actors from Jaya Bachchan to Dara Singh appear in the opening credits, and the rest of the cast appears in the closing credits. Jaya Bachchan as Jennifer Kapoor, Shah Rukh Khan as Aman Mathur, Saif Ali Khan as Rohit Patel, Preeti Zinta as Nana Catherine Kapoor, Sushma Sheth as Lajwanti Lazzo Kapoor, Reema Lagu as Namrata Mathur, Lilith Dubey as Jashwinder as Kapoor, Delnaz Paul as Jaspreet Suitu Kapoor, Soma Anand as Kammo, कामिनी खन्ना एज बिमो, केतकी दावे एज शर्लावेन पाटिल, शुल्भा आर्या एज कांताबेन, अथित नायक
एज शिव कपूर, झमक शुक्ला एज जिया कपूर, सिमोन सिंह एज कैमिला, सतीश शाह एज कृष्ण भाई पटेल, राजपाल यादव एज गुरु, दारा सिंह एज प्रीतम चड्ढा, स्पेशल अपीयरेंस संजय कपूर एज अभय मल्होत्रा, काजोल एज डांसर इन द सॉन्ग माही वे, रानी मुखर्जी एज अ डांसर इन द सॉन्ग माही वे, सोनाली बेंद्रे एज प्रिया मल्होत्रा, दीपेश भट्ट एज फ्रैंकी रामदयाल, अनायता श्रॉफ अदा जानिया एज गीता पारेख। अनक्रेडिट अपीयरेंस अनिल मेहता एज राजनाथ कैथरीन कपूर, फराह खान एंड करण जौहर एज कस्टमर्स इन जैनीज रेस्टोरेंट, उदय चोपड़ा एज अ नैरेटर हु सेज डे सिक्स। कल होना हो टुमारो में नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एब्रीवेटेड एस के एच एन एच इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग्स बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा विद सुषमा सेठ, रीमा लागू, ललिते दुबे एंड डेल नाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट MBA स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। सी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू सेट नैना अप विद हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल, सिंस ही फियर शी विल ग्रीव फॉर हिम इफ ही रेसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स। डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग्स निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, नैरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 220-300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन। कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो, शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर, अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वर द सिनेमेटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो, न्यूयॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2003। द साउंड ट्रैक वॉज रिलीज्ड ऑन 27 सितंबर 2003 टू पॉजिटिव रिव्यूज। द टाइटल सॉन्ग इट्स द टाइम टू डिस्को, कुछ तो हुआ है एंड प्रेटी वुमेन वर पर्टिकुलरली वेल रिसीव्ड। कल हो ना हो वॉज रिलीज्ड ऑन 27 नवंबर 2003 विद द प्रमोशनल टैगलाइन अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम इन अ हार्ट बीट। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल फीडबैक
एंड वॉज कॉमर्शियली सक्सेसफुल. इट अर्न 860.9 मिलियन अबाउट US डॉलर 18.8 मिलियन इन 2003 एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर. इट एक्सप्लोर सेवरल थीम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इंटरकास्ट मैरिज, टर्मिनल इलनेस एंड होमोसेक्सुअलिटी थ्रू इनुइटो एंड होमोसोशियल बॉन्डिंग. इट वॉन 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 13 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 6 प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड, 3 स्क्रीन अवार्ड्स एंड 2 जी साइन अवार्ड्स इन 2004. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके. धन्यवाद. कल हो ना हो, कल हो ना हो, टुमारो मो, टुमारो मे, नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशंस कल हो ना हो. ऑल्सो एब्रीवेटेड एज KHNNH इज़ अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाई निखिल आडवाणी, रिटन बाई करण जौहर विद डायलॉग बाई निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाई यश जौहर. द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा विद सुषमा शेठ, रीमा लागू, ललित दुबे एंड डेल नाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट MBA स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी. शी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू शेड नैना अप विथ हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल. सिंस ही फियर्स शी विल ग्रीव फॉर हिम इफ ही रिसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स. डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, नरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यश राज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 November 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 220 to 300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन. Collaborating with Johar in a first musical trio, Shankar Ehsaan Loy composed the soundtrack and background score. Anil Mehta, Manish Malhotra and Sharmistha Roy were the cinematographer, costume designer and art director respectively. Principal photography took place in Toronto, New York City and Mumbai from January to October 2003. The soundtrack was released
on 27 September 2003 to positive reviews the title song It's the Time to Disco Kuch To Hua Hai and Pretty Woman were particularly well received. Kal Ho Na Ho was released on 27 November 2003 with the promotional tagline A Story of a Lifetime in a Heartbeat. The film received positive critical feedback and was commercially successful. It earned 860.9 million about $18.8 million in 2003 and was the highest grossing Indian film of the year. It explores several themes such as the depiction of non-resident Indians, intercaste marriage, terminal illness and homosexuality through innuendo and homosocial bonding. It won 2 national film awards, 8 Filmfare awards, 13 international Indian Film Academy awards, 6 Producers Guild Film Awards, 3 Screen Awards and 2 Zee Cine Awards in 2004. Naina Catherine Kapoor is a pessimistic, uptight MBA student who lives in New York City with her widowed mother Jennifer, disabled brother Shiv, adopted sister Zia and paternal grandmother Lajo. Jennifer runs an unsuccessful cafe with her neighbor Jashwinder Jaz Kapoor. Lajo is hostile to Jennifer and Zia as she believes that Zia's adoption led her son, Jennifer's husband and Naina's father, to commit suicide. Naina has two best friends, her classmate Rohit Patel and Jaspreet Suitu, Kapoor's sister. Her life is dull and overshadowed by the loss of her father until Aman Mathur and his mother move in next door with his uncle Pritam Chadda. Aman's cheerfulness gradually wins over Naina's family and he slowly starts to solve their problems. He suggests that they change the cafe to an Indian restaurant and its success alleviates their financial burdens. Aman encourages Naina to be happy and to live life to the full set. She ends up falling in love with him. Rohit also falls in love with Naina and asks Aman's help in expressing his feelings. Naina tells Rohit there is something she must say to him, leading him to think that she reciprocates his feelings. Naina reveals she is in love with Aman instead. Shikan, Rohit calls Aman to tell him what has happened. Naina goes to Aman's house and is shocked to see a wedding photograph of Aman and his wife Priya. Heartbroken, she leaves. Aman's mother comforts him about what has happened. He says he loves Naina but has decided to hide it because he is dying from a heart condition. He is not actually married. Priya is his childhood friend and doctor.
अमन वॉज टू ब्रिंग नैना एंड रोहित टुगेदर बिफोर ही डाइज. ही बिलीव दैट रोहित विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर हर बेटर देन ही कैन. ही हैज अ प्लान टू ट्रांसफॉर्म नैना एंड रोहित्स बॉन्ड एंड ग्रेजुअली देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्स इनटू लव. नैना डिस्कवर्स हिज प्लेन एंड चाइड्स अमन फॉर ट्राइंग टू रिन हर फ्रेंडशिप विद रोहित. अमन टेक्स आउट रोहित्स डेयरी एंड कन्फेसेस हिज फीलिंग्स फॉर नैना सेइंग दे आर रोहित. नैना फॉरगिव्स अमन एंड रोहित. रोहित प्रपोजेस टू नैना एंड सी एक्सेप्ट. लज्जो एंड जेनिफर हैव अ सीरियस फाइट अबाउट जिया हु कॉल्स ऑन अमन फॉर हेल्प. अमन हैड प्रीवियसली डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट जिया's पेरेंट्स एंड डेस्पाइट जेनिफर्स ऑब्जेक्शंस ही रिवील्स टू लज्जो दैट हर सन हैड एन एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर एंड फादर हर्ट जिया. वैन जिया's बायोलॉजिकल मदर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर जेनिफर एडॉप्टेड हर. अनेबल टू डील विद द गिल्ट जेनिफर्स हस्बैंड कमिटेड सुसाइड एंड इमोशनल लज्जो रियलाइजेस हर मिस्टेक्स एंड रिकॉन्साइल्स विद जेनिफर एंड जिया. नैना गेन्स क्लोजर आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ अबाउट हर फादर्स डेथ. ड्यूरिंग नैना एंड रोहित्स एंगेजमेंट अमन हैज अ हार्ट अटैक. ओनली हिज मदर knows he has been admitted to the hospital. Nana encounters Priya at a jewelry store who she recognizes as Aman's wife. She introduces herself and her husband Abhay who reveals the truth about Aman. Shocked, Nana realizes that Aman has sacrificed his love for her and leaves the mall in an emotional frenzy. Priya calls up Aman and informs him about what happened. Aman leaves the hospital and meets a frustrated Rohit who asks why he and not Aman should marry Nana. Aman urges Rohit to marry Nana as a sign of respect for his dying wish. To see Nana happy. Aman meets Nana and they embrace while he tries to persuade her that he does not love her. Rohit and Nana's wedding, in which Aman attends, takes place soon afterward. Sometimes after the wedding, Aman is on his deathbed and says goodbye to everyone. He is left alone with Rohit after Nana leaves the room in tears. Aman makes him promise that although Nana is with Rohit in this lifetime, he will get her in the next. 20 years later, a middle-aged Nana tells her grow-up Jia how Aman affected every aspect of their lives. They are joined by her daughter Rhea and Rohit, who tells Nana that he loves her as they embrace. Cast. Note: the actors from Jaya Bachchan to Dara Shrinkh appear in the opening credits and the rest of the cast appears in the closing credits. Jaya Bachchan as Jennifer Kapoor, Shah Rukh Khan as Aman Mathur, Saif Ali Khan as Rohit Patel, Preeti Zinta as Nana Catherine Kapoor, Sushma Sheth as Lajwanti Lazzo Kapoor, Reema Lagu as Namrata Mathur, Lilith Dubey as Jashwinder
एज कपूर, डेलनाज पॉल एज जसप्रीत स्वीटू कपूर, शोमा आनंद एज कम्मो, कामिनी खन्ना एज बिम्मो, केतकी दावे एज शर्लावेन पाटिल, शुल्भा आर्या एज कांताबेन, अथित नायक एज शिव कपूर, झनक शुक्ला एज जिया कपूर, शिमोन सिंह एज कैमिला, सतीश शाह एज कृष्ण भाई पाटिल, राजपाल यादव एज गुरु, दारा सिंह एज प्रीतम चड्ढा, स्पेशल अपीयरेंस संजय कपूर एज अभय मल्होत्रा, काजोल एज डांसर इन द सॉन्ग माही वे, रानी मुखर्जी एज अ डांसर इन द सॉन्ग माही वे, सोनाली बेंद्रे एज प्रिया मल्होत्रा, दीपेश भट्ट एज फ्रैंकी रामदयाल, अनायता श्रॉफ अदाजानिया एज गीता पारेख। अनक्रेडिट अपीयरेंस, अनिल मेहता एज राजनाथ कैथरीन कपूर, फराह खान एंड करण जौहर एज कस्टमर्स इन जैनीज रेस्टोरेंट, उदय चोपड़ा एज अ नैरेटर हु सेज डे सिक्स। कल होना हो टुमारो मे नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एब्रीवेटेड एस के एच एन एच इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग्स बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीती जिंटा विद सुषमा सेठ, रीमा लागू, ललिते दुबे एंड डेलनाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट एमबीए स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। शी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू सेट नैना अप विद हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल, सिंस ही फियर शी विल ग्रीव फॉर हिम इफ ही रेसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स। डायरेक्टेड बाई निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग्स निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीती जिंटा, नैरेटेड बाय प्रीती जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 220-300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन। कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो, शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर, अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वर द सिनेमेटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो, न्यूयॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम January to October 2003। द साउंड ट्रैक वॉच रिलीज्ड ऑन 27 September 2003 टू पॉजिटिव रिव्यूज। द टाइटल सॉन्ग इट्स द टाइम टू डिस्को, कुछ तो हुआ है एंड
प्रेटी वुमेन वर पर्टिकुलरली वेल रिसीव्ड. कल हो ना हो वॉज रिलीज्ड ऑन 27 नवंबर 2003 विद द प्रमोशनल टैगलाइन अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम इन अ हार्ट बीट. द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल फीडबैक एंड वॉज कॉमर्शियली सक्सेसफुल. इट अर्न्ड 860.9 million अबाउट US डॉलर 18.8 million इन 2003 एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर. इट एक्सप्लोर सेवरल थीम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इंटरकास्ट मैरिज, टर्मिनल इलनेस एंड होमोसेक्सुअलिटी थ्रू इनुइटो एंड होमोसोशियल बॉन्डिंग. इट वॉन 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 13 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 6 प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड, 3 स्क्रीन अवार्ड्स एंड 2 जी साइन अवार्ड्स इन 2004. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके. धन्यवाद. कल हो ना हो टुमारो मे नेवर कम. हिंदी प्रोनाउंसिएशंस कल हो ना हो. ऑल्सो एब्रीवेटेड एज KHNNH इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग्स बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर. द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा विद सुषमा शेठ, रीमा लागू, ललित दुबे एंड देलनाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट MBA स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी. शी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू शेड नैना अप विद हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल. Since he fears she will grieve for him if he reciprocates her feelings. Directed by Nikhil Advani, written by story and screenplay Karan Johar, dialogue Niranjan Iyengar, produced by Yash Johar, starring Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, प्रीति जिंटा, नरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यश राज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003. रनिंग टाइम 186 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 220 to 300 million. बॉक्स ऑफिस 860.9 million. कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर. अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वेयर द सिनेमेटोग्राफर कॉस्ट्यूम डिजाइनर.
एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो न्यू यॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2003. द साउंडट्रैक वॉज रिलीज ऑन 27 सितंबर 2003 टू पॉजिटिव रिव्यूज. द टाइटल सॉन्ग इट्स द टाइम टू डिस्को कुछ तो हुआ है एंड प्रेटी वुमेन बर पार्टिकुलरली वेल रिसीव्ड. कल होना हो वॉज रिलीज ऑन 27 नवंबर 2003 विद द प्रमोशनल टैगलाइन अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम इन अ हार्ट बीट. द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल फीडबैक एंड वॉज कॉमर्शियली सक्सेसफुल. इट अर्नड 860.9 million अबाउट $18.8 million इन 2003 एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर. इट एक्सप्लोर सेवरल थेम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंटरकास्ट मैरिज टर्मिनल illness and homosexuality through innuendo and homosocial bonding. It won 2 national film awards, 8 filmfare awards, 13 international Indian film academy awards, 6 producers guild film awards, 3 screen awards and 2 G Cine awards in 2004. नैना कैथरीन कपूर इज अ पेसिमिस्टिक अपटाइट MBA स्टूडेंट हु लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी विद हर विडोड मदर जेनिफर डिसेबल्ड ब्रदर शिव एडॉप्टेड सिस्टर जिया एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर लज्जो. जेनिफर रन्स एंड अनसक्सेसफुल कैफे विद हर नाइवर जशविंदर जस कपूर. लज्जो इज हॉस्टाइल टू जेनिफर एंड जिया एज शी बिलीव्स दैट जियाज एडॉप्शन लेड हर सन जेनिफर्स हस्बैंड एंड नैनाज फादर टू कमिट सुसाइड. नैना हैज टू बेस्ट फ्रेंड्स हर क्लासमेट रोहित पटेल एंड जसप्रीत स्वीटू कपूर जैस सिस्टर. हर लाइफ इज डल एंड ओवर शेडोड बाई द लॉस ऑफ हर फादर अंटिल अमन माथुर एंड हिज मदर मूव इन नेक्स्ट डोर विद हिज अंकल प्रीतम चड्ढा. अमन्स चेयरफुलनेस ग्रेजुअली विंस ओवर नैनाज फैमिली एंड ही स्लोली स्टार्ट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ही सजेस्ट दैट दे चेंज द कैफे टू एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड इट्स सक्सेस एलिविएट्स देयर फाइनेंशियल वर्डन्स. अमन एनकरेजेस नैना टू बी हैप्पी एंड टू लिव लाइफ टू द फुल सेट. सी एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद हिम. रोहित ऑल्सो फॉल्स इन लव विद नैना एंड आस्क्स अमन्स हेल्प इन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स. नैना टेल्स रोहित देयर इज समथिंग सी मस्ट से टू हिम लीडिंग हिम टू थिंक दैट सी रेसिप्रोकेट्स हिज फीलिंग्स. नैना रिवील्स सी इज इन लव विद अमन इंस्टीट शिकन. रोहित कॉल्स अमन टू टेल हिम वॉट हैज हैपन्ड. नैना गोज टू अमन्स हाउस एंड हिज शॉक टू शी अ बेडिंग फोटोग्राफ ऑफ अमन एंड हिज वाइफ प्रिया.
हार्ट ब्रोकन सी लीव्स अमन्स मदर कम्फर्ट्स हिम अबाउट वॉट हैज हैपन ही सेज ही लव्स नैना वॉट हैज डिसाइडेड टू हाइड इट बिकॉज ही इज डाइंग फ्रॉम अ हार्ट कंडीशन ही इज नॉट एक्चुअली मैरिड प्रिया इज हिज चाइल्ड हुड फ्रेंड एंड डॉक्टर अमन वॉज टू ब्रिंग नैना एंड रोहित टूगेदर बिफोर ही डाइज ही बिलीव दैट रोहित विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर हर बेटर देन ही कैन ही हैचेस अ प्लान टू ट्रांसफॉर्म नैना एंड रोहित बॉन्ड एंड ग्रेजुअली देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्स इनटू लव नैना डिस्कवर्स हिज प्लेन एंड चाइड्स अमन फॉर ट्राइंग टू रिन हर फ्रेंडशिप विद रोहित अमन टेक्स आउट रोहित डेयरी एंड कन्फेसेस हिज फीलिंग्स फॉर नैना सेइंग दे आर रोहित नैना फॉर गिव्स अमन एंड रोहित रोहित प्रपोजेस टू नैना एंड सी एक्सेप्ट लज्जो एंड जेनिफर हैव अ सीरियस फाइट अबाउट जिया हु कॉल्स ऑन अमन फॉर हेल्प अमन हैड प्रीवियसली डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट जिया's पेरेंट्स एंड डेस्पाइट जेनिफर्स ऑब्जेक्शंस ही रिवील्स टू लज्जो दैट हर सन हैड एन एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर एंड फादर हर्ट जिया वैन जिया's बायोलॉजिकल मदर refused to accept her Jennifer adopted her unable to deal with the guilt Jennifer's husband committed suicide and emotional Lacho realizes her mistakes and reconciles with Jennifer and Gia Nana gains closure after learning the truth about her father's death During Nana and Rohit's engagement, Aman has a heart attack. Only his mother knows he has been admitted to the hospital. Nana encounters Priya at a jewelry store, who she recognizes as Aman's wife. She introduces herself and her husband, Abhay, who reveals the truth about Aman. Shocked, Nana realizes that Aman has sacrificed his love for her and leaves the mall in an emotional frenzy. Priya calls up Aman and informs him about what happened. Aman leaves the hospital and meets a frustrated Rohit who asks why he and not Aman should marry Nana. Aman urges Rohit to marry Nana as a sign of respect for his dying wish to see Nana happy. Aman meets Nana and they embrace while he tries to persuade her that he does not love her. Rohit and Nana's wedding, in which Aman attends, takes place soon afterward. Sometimes after the wedding, Aman is on his deathbed and says goodbye to everyone. He is left alone with Rohit after Nana leaves the room in tears. Aman makes him promise that although Nana is with Rohit in this lifetime, he will get her in the next. 20 years later, A middle-aged Nana tells a grow-up Jia how Aman affected every aspect of their lives. They are joined by her daughter Rhea and Rohit, who tells Nana that he loves her as they embrace. Cast Note The actors from Jaya Bachchan to Dara Shrinkh appear in the opening credits and the rest of the cast appears
इन द क्लोजिंग क्रेडिट्स जया बच्चन एज जेनिफर कपूर, शाहरुख खान एज अमन माथुर, सैफ अली खान एज रोहित पटेल, प्रीति जिंटा एज नैना कैथरीन कपूर, सुषमा शेठ एज लाजवंती लज्जो कपूर, रीमा लागू एज नम्रता माथुर, ललिते दुबे एज जशविंदर एज कपूर, डेलनाज पॉल एज जसप्रीत स्वीटू कपूर, शोमा आनंद एज कम्मो, कामिनी खन्ना एज बिम्मो, केतकी दावे एज शर्लावेन पाटिल, शुल्भा आर्या एज कांताबेन, अथित नायक एज शिव कपूर, झनक शुक्ला एज जिया कपूर, शिमोन सिंह एज कैमिला, सतीश शाह एज कृष्ण भाई पाटिल, राजपाल यादव एज गुरु, दारा सिंह एज प्रीतम चड्डा, स्पेशल अपीयरेंस संजय कपूर एज अभय मल्होत्रा, काजोल एज डांसर इन द सॉन्ग माही वे, रानी मुखर्जी एज अ डांसर इन द सॉन्ग माही वे, सोनाली बेंद्रे एज प्रिया मल्होत्रा, दीपेश भट्ट एज फ्रैंकी रामदयाल, अनायता श्रॉफ अदाजानिया एज गीता पारेख, अनक्रेडिट अपीयरेंस अनिल मेहता एज राजनाथ कैथरीन कपूर, फराह खान एंड करण जौहर एज कस्टमर्स इन जैनीज रेस्टोरेंट, उदय चोपड़ा एज अ नैरेटर हु सेज डे सिक्स, कल होना हो टुमारो में नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एब्रीवेटेड एस के एच एन एच इज अ 2003 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय करण जौहर विद डायलॉग्स बाय निरंजन अयंगर एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर। द फिल्म स्टार्स जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीती जिंटा विद सुषमा शेठ, रीमा लागू, ललिते दुबे एंड डेलनाज पॉल इन सपोर्टिंग रोल्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नैना कैथरीन कपूर, अ पेसिमिस्टिक एंड अपटाइट एमबीए स्टूडेंट लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। शी फॉल्स इन लव विद हर नाइवर अमन माथुर, अ टर्मिनली इल पेशेंट हु ट्राइज टू शेट नैना अप विद हर बेस्ट फ्रेंड रोहित पाटिल, सिंस ही फियर शी विल ग्रीव फॉर हिम इफ ही रेसिप्रोकेट्स हर फीलिंग्स। डायरेक्टेड बाय निखिल आडवाणी, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले करण जौहर, डायलॉग्स निरंजन अयंगर, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, स्टारिंग जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, नैरेटेड बाय प्रीति जिंटा, सिनेमेटोग्राफी अनिल मेहता, एडिट बाय संजय शंकला, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स, रिलीज डेट 27 नवंबर 2003, रनिंग टाइम 186 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 220-300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 860.9 मिलियन, कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर, अनिल मेहता, मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वर द सिनेमेटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली, प्रिंसिपल फोटोग्राफी
took place in Toronto, New York City and Mumbai from January to October 2003. The soundtrack was released on 27 September 2003 to positive reviews. The title song, It's the Time to Disco, Kuch Toh Hua Hai and Pretty Woman were particularly well received. Kal Ho Na Ho was released on 27 November 2003 with the promotional tagline, A Story of a Lifetime in a Heartbeat. The film received positive critical feedback and was commercially successful. It earned $860.9 million, about US dollar 18.8 million in 2003 and was the highest grossing Indian film of the year. It explores several themes such as the depiction of non-resident Indians, inter-caste marriage, terminal illness and homosexuality through innuendo and homosocial bonding. It won 2 National Film Awards, 8 Filmfare Awards, 13 International Indian Film Academy Awards, 6 Producers Guild Film Awards, 3 Screen Awards and 2 G Cine Awards in 2004. Hello friends, kaise hain aap log? Agar abhi tak aapne mere channel ko subscribe nahi kiya hai तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। कल हो ना हो, कल हो ना हो, टुमारो मो, टुमारो मे, नेवर कम, हिंदी प्रोनाउंसिएशंस कल हो ना हो। ऑल्सो abbreviated as KHNNH is a 2003 Indian Hindi language romantic comedy drama film directed by Nikhil Advani, written by Karan Johar with dialogues by Niranjan Iyengar and produced by Yash Johar. The film stars Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan and Preeti Zinta with Sushma Sheth, Reema Lagu, Lilith Dubey and Dale Naz Paul in supporting roles. It tells the story of Naina Catherine Kapoor, a pessimistic and uptight MBA student living in New York City. She falls in love with her neighbor Aman Mathur, a terminally ill patient who tries to set Naina up with her best friend Rohit Patel, since he fears she will grieve for him if he reciprocates her feelings. Directed by Nikhil Advani, written by story and screenplay Karan Johar, dialogue Niranjan Iyengar. Produced by Yash Johar, starring Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, Preeti Zinta. Narrated by Preeti Zinta. Cinematography Anil Mehta. Edited by Sanjay Shankla. Music by Shankar Ehsan Loy. Production company Dharma Productions. Distributed by Yash Raj Films. Release date 27 November 2003. Running time 186 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 220 to 300 million. Box office 860.9 million.
collaborating with Johar in a first musical trio, Shankar Ehsaan Loy composed the soundtrack and background score. Anil Mehta, Manish Malhotra and Sharmistha Roy were the cinematographer, costume designer and art director respectively. Principal photography took place in Toronto, New York City and Mumbai from January to October 2003. The soundtrack was released on 27 September 2003 to positive reviews. The title song It's the Time to Disco, Kuch To Hua Hai and Pretty Woman were particularly well received. Kal Ho Na Ho was released on 27 November 2003 with the promotional tagline A Story of a Lifetime in a Heartbeat. The film received positive critical feedback and was commercially successful. It earned 860.9 million about US dollar 18.8 million in 2003 and was the highest grossing Indian film of the year. It explores several themes such as the depiction of non-resident Indians, intercaste marriage, terminal illness and homosexuality through innuendo and homosocial bonding. It won 2 national film awards, 8 Filmfare awards, 13 international Indian Film Academy awards, 6 Producers Guild Film Awards, 3 Screen Awards and 2 G Sign Awards in 2004. Naina Catherine Kapoor is a pessimistic, uptight MBA student who lives in New York City with her widowed mother Jennifer, disabled brother Shiv, adopted sister Zia and paternal grandmother Lajo. Jennifer runs an unsuccessful cafe with her neighbor Jashwinder Jaz Kapoor. Lajo is hostile to Jennifer and Zia as she believes that Zia's adoption led her son, Jennifer's husband and Naina's father, to commit suicide. Naina has two best friends, her classmate Rohit Patel and Jaspreet Sweetu, Kapoor's sister. Her life is dull and overshadowed by the loss of her father, until Aman Mathur and his mother move in next door with his uncle Pritam Chadha. Aman's cheerfulness gradually wins over Naina's family and he slowly starts to solve their problems. He suggests that they change the cafe to an Indian restaurant and its success alleviates their financial burdens. Aman encourages Naina to be happy and to live life to the full set. She ends up falling in love with him. Rohit also falls in love with Naina and asks Aman's help in expressing his feelings. Naina tells Rohit there is something she must say to him.
leading him to think that she reciprocates his feelings. Nana reveals she is in love with Aman instead. Shaken, Rohit calls Aman to tell him what has happened. Nana goes to Aman's house and is shocked to see a bedding photograph of Aman and his wife Priya. Heartbroken, she leaves. Aman's mother comforts him about what has happened. He says he loves Nana but has decided to hide it because he is dying from a heart condition. He is not actually married. Priya is his childhood friend and doctor. Aman was to bring Nana and Rohit together before he dies. He believes that Rohit will be able to provide for her better than he can. He hatches a plan to transform Nana and Rohit's bond, and gradually their friendship blossoms into love. Nana discovers his plan and chides Aman for trying to ruin her friendship with Rohit. Aman takes out Rohit's diary and confesses his feelings for Nana, saying they are Rohit. Nana forgives Aman and Rohit. Rohit proposes to Nana and she accepts. Lazo and Jennifer have a serious fight about Jia, who calls on Aman for help. Aman had previously discovered the truth about Jia's parents, and despite Jennifer's objections, he reveals to Lazo that her son had an extramarital affair and father hurt Jia. When Jia's biological mother refused to accept her, Jennifer adopted her. Unable to deal with the guilt, Jennifer's husband committed suicide, and emotional Lazo realizes her mistakes and reconciles with Jennifer and Jia. Nana gains closure after learning the truth about her father's death. During Nana and Rohit's engagement, Aman has a heart attack. Only his mother knows. He has been admitted to the hospital. Nana encounters Priya at a jewelry store, who she recognizes as Aman's wife. She introduces herself and her husband, Abhay, who reveals the truth about Aman. Shocked, Nana realizes that Aman has sacrificed his love for her and leaves the mall in an emotional frenzy. Priya calls up Aman and informs him about what happened. Aman leaves the hospital and meets a frustrated Rohit, who asks why he and not Aman should marry Nana. Aman urges Rohit to marry Nana as a sign of respect for his dying wish to see Nana happy. Aman meets Nana and they embrace while he tries to persuade her that he does not love her. Rohit and Nana's wedding, in which Aman attends, takes place soon afterward. Sometimes after the wedding, Aman is on his deathbed and says goodbye to everyone. He is left alone with Rohit after Nana leaves the room in tears. Aman makes him promise that although Nana is with Rohit in this lifetime, he will get her in the next. 20 years later, a middle-aged Nana tells her grow-up Jia how Aman affected every aspect of their lives.
they are joined by her daughter Rhea and Rohit, who tells Naina that he loves her as they embrace. Cast note: the actors from Jaya Bachchan to Dara Shinh appear in the opening credits, and the rest of the cast appears in the closing credits. Jaya Bachchan as Jennifer Kapoor, Shah Rukh Khan as Aman Mathur, Saif Ali Khan as Rohit Patel, Preeti Zinta as Naina Catherine Kapoor, Sushma Sheth as Lajwanti Lazzo Kapoor, Reema Lagu as Namrata Mathur, Lilith Dubey as Jashwinder as Kapoor, Delnaz Paul as Jaspreet Suitu Kapoor, Shoma Anand as Kammo, Kamini Khanna as Bimmo, Ketki Dave as Sharlaven Patel, Shulva Arya as Kantaven, Athit Nayak as Shiv Kapoor, Jhanak Sakula as Jia Kapoor, Shimon Singh as Camilla, Shatish Shah as Krishna Bhai Patel, Rajpal Yadav as Guru, Dara Singh as Pritam Chadda. Special appearance: Sanjay Kapoor as Abhay Malhotra, Kajol as dancer in the song Mahi Ve, Rani Mukherjee as a dancer in the song Mahi Ve, Sonali Bendre as Priya Malhotra, Deepesh Bhatt as Frankie Ramdayal, Anayata Shroff Adazania as Geeta Parekh. Uncredited appearance: Anil Mehta as Rajnath Catherine Kapoor, Farah Khan and Karan Johar as customers in Jenny's restaurant, Uday Chopra as a narrator who says day 6. Kal ho na ho, tomorrow may never come, Hindi pronunciation also abbreviated as KHNH is a 2003 Indian Hindi language romantic film, comedy drama film, directed by Nikhil Advani, written by Karan Johar, with dialogues by Niranjan Iyengar and produced by Yash Johar. The film stars Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan and Preeti Zinta, with Sushma Sheth, Reema Lagu, Lilith Dubey and Delnaz Paul in supporting roles. It tells the story of Naina Catherine Kapoor, a pessimistic and uptight MBA student living in New York City. She falls in love with her neighbor Aman Mathur, a terminally ill patient who tries to set Naina up with her best friend Rohit Patel, since he fears she will grieve for him if he reciprocates her feelings. Directed by Nikhil Advani, written by story and screenplay Karan Johar, dialogues Niranjan Iyengar, produced by Yash Johar, starring Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, Preeti Zinta, narrated by Preeti Zinta, cinematography Anil Mehta, edited by Sanjay Shankla, music by Shankar Ehsan Loy, production company Dharma Productions, distributed by Yashraj Films, release date 27 November 2003, running time 186 minutes, country India, language Hindi, budget 320 million, box office 860.9 million.
कोलैबोरेटिंग विद जौहर इन अ फर्स्ट म्यूजिकल ट्रियो शंकर एहसान लॉय कंपोज द साउंड ट्रैक एंड बैकग्राउंड स्कोर अनिल मेहता मनीष मल्होत्रा एंड शर्मिष्ठा रॉय वर द सिनेमाटोग्राफर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टिवली प्रिंसिपल फोटोग्राफी टुक प्लेस इन टोरंटो न्यूयॉर्क सिटी एंड मुंबई फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2003 द साउंड ट्रैक वॉज रिलीज्ड ऑन 27 सेप्टेम्बर 2003 टू पॉजिटिव रिव्यूज द टाइटल सॉन्ग इट्स द टाइम टू डिस्को कुछ तो हुआ है एंड प्रेटी वुमेन वर पर्टिकुलरली वेल रिसीव्ड कल हो ना हो वॉज रिलीज्ड ऑन 27 नवंबर 2003 विद द प्रमोशनल टैगलाइन अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम इन अ हार्ट बीट द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल फीडबैक एंड वॉज कॉमर्शियली सक्सेसफुल इट अर्न्ड 860.9 million अबाउट US डॉलर 18.8 million इन 2003 एंड वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर इट एक्सप्लोर सेवरल थीम्स सच एज द डेपिक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंटरकास्ट मैरिज टर्मिनल इलनेस एंड होमोसेक्सुअलिटी थ्रू इनुइनो एंड होमोसोशियल बॉन्डिंग इट वॉन टू नेशनल फिल्म अवार्ड्स 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स 13 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 6 प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड 3 स्क्रीन अवार्ड्स एंड 2 जी साइन अवार्ड्स इन 2004